फैसल साहब ये बताइएगा केमाली में ये क्या वाकया हुआ है, कितने लोग मुतासिर हुए हैं और अभी तक कितने लोगों की हलाकत की इतला आपके पास है, कंफर्मेशन कितने? देखिए, चार के करीब हलाकतें हैं, दो केमारी जो है वो जियाउद्दीन में और दो कुतियाना में हलाकतें हुई हैं। और ये कोई जहरीली गैस है जो लीक हुई है पोर्ट एरिया से, लेकिन पोर्ट अथॉरिटीज़ जो है वो मना कर रही हैं, लेकिन जब तक ये छुपाएंगे हमें पता नहीं चलेगा और ये हलाकतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तकरीबन 70-80 के करीब नीम बेहोशी की हालत में है और अभी हम यहाँ पे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो पोर्ट अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट है कि हमें बताएं कि कौन सा केमिकल लीक हुआ है, ताकि हैज़र्डस मटेरियल की लिस्ट में जाके उसको चेक करके जो है वो इसकी किस तरीके से जो है वो मरीज़ों को ट्रीट करना है और किस तरह कितने एरियाज़ को जो है वो इवैक्यूएट करना, तो हमें बताएं, इसको छुपाएं नहीं, कहीं हलाकतें बहुत ज़्यादा ना हो जाए। अच्छा, किस किस एरिया के लोग मुतासर हुए? ये मसान चौक है, केमारी वाला इलाका जो है ना, ये इस एरिया के ज़्यादातर लोग मुतासर हैं। ठीक है, अभी तक जो मुतासर अफराद हैं उनको किन किन हॉस्पिटल में लेके गए? ये ज़्यादातर यहीं पर हैं, इनको शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन ये ज्यादा जो है वो जैसे स्टेबल होते जा रहे हैं तो इलाके से दूर निकल रहे हैं। हलाक होने वालों में खवातीन बच्चे भी हैं? यार ये मुझे नहीं पता, एक खवातीन है। ठीक है ठीक है, और इनके नाम आए कुछ हलाक छुटकान? नाम अभी नहीं, अभी थोड़ी देर में आए। ओके भेज देना जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखे केमाड़ी में पता नहीं कौन सा वायरस आ गया जिसकी वजह से अब तक हलाकत चार हो चुकी है केमाड़ी के इलाके में, और केमाड़ी के इलाके में बहुत बुरा हाल है, ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये आप देख सकते हैं, बीमारी के हालात हो रहे हैं भाई, जिसको देखो मुंह पे मास्क रखा हुआ है, ये इसका एक पेशेंट एक्सपायर हो गया। बस अल्लाह रहम करे, अल्लाह अकबर।